तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपकी सरसों की खेती जैसे फसल अब आपकी बढ़ रही है, तो उसमें निश्चित तौर पे कुछ उसमें कीट और कुछ व्याधियां भी आती हैं किसान भाइयों। तो इसमें क्या होता है, कीट के नियंत्रण जिसमें लाही का जो आप देखेंगे, अगर आप विलम्ब से बुआई करेंगे तो विलम्ब से बुआई करने में इसकी और आने की जो है वो बढ़ जाती है संभावना। इसलिए एक तो सौ समय करें तो इससे निदान पा सकते हैं। और जैसे लाही का जो प्रकोप होता है उसमें क्या होता है, इसके जो शिशु होते हैं और वयस्क होते हैं वो पत्तियों का रस चूस लेते हैं, इससे क्या होता है उसके प्रतिकूल असर पड़ता है और किसान भाइयों आपकी उपज में काफ़ी कमी आ जाती है। तो इसलिए उसके लिए क्या है कि आप जैसे कॉन्फिडोर है या आप मिथाइल डाइमिथ्रेट है या रोगोर है, तो इसका जो है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप खरीफ फसल पर समय छिड़काव करें। और जैसे कि आप इसमें रोग का भी देखेंगे तो रोग में भी जैसे कि है कि रोग में आपका इसमें जैसे पत्र लांछन आता है, पत्र लांछन उसमें क्या होता है कि पत्तों पे भूरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बाधित होती है, उपज पे विपरीत असर पड़ता है। तो उसके लिए जैसे क्या है, खरीफ फसल पे आप जैसे ब्लैटॉक्स 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इस पर छिड़काव करें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी जो फसल की प्रबंधन अगर अच्छी रहेगी तो आपको उपज भी अच्छी मिलेगी। और खासकर जब देखेंगे आप इसमें समय अगर इसमें आप समय सब चीज़ कर रहे हैं तो आपको उत्पादन भी अच्छी मिलती है। और इसमें जैसे आप एक विशेष ख्याल रखें, जब आपकी सरसों की फसल जो है आप जब पकने लगती है, जब करीब 75% पक जाते हैं तब इसकी कटाई जो है आप प्रारंभ कर लें। नहीं तो क्या होता है कि उसे बीज की जो झड़ने की संभावना है खेतों में बढ़ जाती है, ताकि उसमें आपको नुकसान होता है। और फसल कटने के बाद जो है फिर आप इसमें जो है इसको काट के फिर छायादार रखें, उसका फिर इसको थ्रेशिंग करके और फिर सुखा के तो इसका भंडारण करें। और आप राई की खेती से जो आप जो है कम से कम आपको जो है 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज आपको प्राप्त होती है किसान भाइयों। फिर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपने राई की खेती की, इसमें खास करके जब आप फसल आपकी नवंबर मंथ में आ जाती है, सरसों में अगर फूलें आ रही हों तो उसमें आप सुनिश्चित करें कि खेत में हल्की सिंचाई जो है वो होनी चाहिए, ताकि अगर खेत में नमी आपकी बनी रहेगी तो उससे क्या होगा आपके दाने बोल्ड बनेंगे और उससे क्या होगा आपकी तेल धारण की क्षमता बढ़ जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर उसमें लाही का प्रकोप प्रारंभ हो गया है तो उसमें आप तुरंत उसका निराकरण के लिए जैसे मैंने बताया मिथाइल डाइमिथ्रेट का 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें, ताकि इस तरह से और आप मिट्टी में नमी बना के रखें और फसल प्रबंधन में जो खासकर कीट और व्याधि का प्रबंधन करें, तो इससे क्या होगी कि आपकी फसल आगे जाके अच्छी आपको उपज देगी।